Good afternoon, students. How are you? Hope you all are fine. Today's in computers class, we will read our next topic, that is changing the desktop background. आज की क्लास में बेटा हम स्टेप्स सीखेंगे जिनकी हेल्प से हम डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. लास्ट क्लास में हमने विंडोज़ के बारे में जाना, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, विंडोज़ के हमने वर्जन के बारे में जाना था, न्यू वर्जन हमारा विंडोज़ का विंडोज़ 10 है, उसकी फ़ीचर्स के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड एक्टिविटी हमने फिल की थी. होप आप सभी ने लर्न किया है. आज हम स्टेप सीखेंगे जिनकी हेल्प से हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे व्हाट इज़ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप होता क्या है? द फर्स्ट स्क्रीन, जो पहली स्क्रीन होती है व्हेन वी ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द फर्स्ट स्क्रीन विल अपीयर, जो पहली स्क्रीन आएगी, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप. उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं. जब वो डेस्कटॉप ओपन होता है, दैट मीन्स जब हमारी स्क्रीन आती है तो उसमें पिक्चर लगी होती है पीछे, उस पिक्चर को बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड. उस पिक्चर को चेंज करने के स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. अ कंप्यूटर वॉलपेपर इज एन इमेज. कंप्यूटर वॉलपेपर क्या है? एक इमेज है. इमेज मीन्स पिक्चर है. यूज एज बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसे हम इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर. टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द गिवन स्टेप. डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं? सबसे पहले गो टू द स्टार्ट बटन. स्टार्ट के बटन पे, जो डेस्कटॉप पे नीचे टास्क बार होता है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे. वहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. सेटिंग के ऑप्शन में पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन होता है. जैसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करा, ये लिस्ट आई, हमने यहाँ पे सेटिंग किया. सेटिंग में हमारे पास पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन होता है. पर्सनलाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. इसमें देखो अलग अलग ऑप्शन हैं हमें, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज करनी है तो हम किस में क्लिक करेंगे? बैकग्राउंड में. इन बैकग्राउंड सेलेक्ट अ पिक्चर और सॉलिड कलर और क्रिएट अ स्लाइड शो ऑफ पिक्चर्स. यहाँ से आप बैकग्राउंड देखो, जैसे हमने यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए. आप इसमें क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं? बैकग्राउंड में पिक्चर देना है, कोई स्लाइड शो की पिक्चर लगानी है, कलर लगाना है, वो सब. इन कलर्स लेट्स विंडो पुल एंड असेंट कलर्स फ्रॉम योर बैकग्राउंड और चूज योर ऑन कलर एडवेंचर. वो ये कह रहा है, देखो यहाँ से बैकग्राउंड के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है कलर्स का. कलर्स के ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे पास हमारा कलर बॉक्स, जैसे हमारा अपना कलर बॉक्स होता है वैसे कंप्यूटर का कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें से जैसा कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज करो, आपका अप्लाई हो जाएगा, आपकी स्क्रीन का कलर वैसा चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड वॉलपेपर इस कलर का हो जाएगा. स्क्रॉल डाउन टू डिसाइड वेयर यू वांट टू सी द कलर शो अप एंड वेदर इट लुक्स बेटर इन अ डार्क और लाइट सेटिंग. कह रहा है स्क्रॉल डाउन करो और डिसाइड करो कि आप कैसा कलर देखना चाहते हो, इसको बेटर कैसे देखना है, डार्क में देखना है या लाइट में देखना है, उसकी सेटिंग करो. यहाँ से जब हमने पिक्चर्स की सेटिंग की थी तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन है ना, इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर्स आ जाएंगे. यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स हैं, जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ दिखाई देगा कि कैसी पिक्चर आपको चाहिए. इन स्टेप्स को फॉलो करके हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. मेमराइज द इमेज यूज्ड एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज कॉल्ड वॉलपेपर. जो इमेज, जो पिक्चर डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए यूज की जाती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग द स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर को कैसे चेंज करते हैं? स्क्रीन सेवर क्या होता है? एक ऐसी इमेज, एक ऐसा वर्ड जिसको हम यूज करते हैं जब हम काफी टाइम तक अपने सिस्टम को यूज नहीं करते. अ स्क्रीन सेवर इज अ मूविंग, रोटेटिंग और चेंजिंग इमेज दैट अपीयर व्हेन कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल फॉर द सेट पीरियड ऑफ टाइम. एक स्क्रीन सेवर एक मूविंग, रोटेटिंग और चेंजिंग, यानी कि इमेज चेंज होती है, जैसे मूव होती है, घूमती है, रोटेट होती है, जो कि कंप्यूटर पर दिखाई देती है जब हम थोड़े समय तक अपने कंप्यूटर को यूज नहीं करते. इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच सेव्स योर मॉनिटर. ये कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन को डैमेज होने से बचाता है. द ओरिजिनल पर्पस ऑफ स्क्रीन सेवर्स वाज टू प्रिवेंट फॉस्फोर बर्न इन ऑन CRT एंड प्लाज्मा कंप्यूटर मॉनिटर्स. यूज किए जाते हैं इन्हें, मेन पर्पस होता है बचाने के लिए, जो CRT और प्लाज्मा जैसे हमारे मॉनिटर्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको सेव करने के लिए. टू चेंज स्क्रीन सेवर फॉलोज द दी स्टेप्स. कह रहा स्क्रीन चेंज सेवर अगर हमें चेंज करना हो तो क्या स्टेप्स को फॉलो करना है? फर्स्टली राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. सबसे पहले हमारा जो डेस्कटॉप की होती है स्क्रीन, वहां पर हम राइट क्लिक करेंगे.
राइट क्लिक करने के बाद हमारी ये लिस्ट ओपन होती है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे हमारी ये लिस्ट होएगी। इस लिस्ट में से सिलेक्ट पर्सनलाइज टू ओपन पर्सनलाइजेशन सेटिंग। हम किस पे क्लिक करेंगे? पर्सनलाइज पर, पर्सनलाइज की सेटिंग के लिए। जैसे ही पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे ही हमारे डेस्कटॉप चेंज बैकग्राउंड चेंज करने के टाइम पर हुई थी। इसमें हमें सेलेक्ट करना है लॉक स्क्रीन। नेक्स्ट क्लिक ऑन लॉक स्क्रीन फ्रॉम द लेफ्ट पेन। यहाँ लेफ्ट पेन में से हम किसे सेलेक्ट करेंगे? लॉक स्क्रीन को। लॉक स्क्रीन को सेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हमें क्या करना है? इसको स्क्रॉल करना है, दैट मीन्स ऊपर नीचे मूव करवाना है, और हमें सेलेक्ट करना है स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स को। स्क्रॉल डाउन द लॉक स्क्रीन सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर सेटिंग्स, द फॉलोइंग विंडो विल ओपन। कह रहा है यहाँ से अपनी स्क्रीन, ये स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे मूव करवाने के लिए, स्क्रीन को मूव करवाएंगे, वहाँ से स्क्रीन सेवर सेटिंग को चूज करेंगे, आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही हम स्क्रीन सेवर सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन सेवर की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में से हमें ये स्क्रीन सेवर चेंज करना है, ये देखो ये यहाँ पे बटन है, इस पर क्लिक करेंगे लिस्ट ओपन होगी। जैसा आपको आपके लिए स्क्रीन सेवर चाहिए वो उसमें से चूज करो। यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करो तो वो स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन के लिए सेट हो जाएगा। चूज एनी स्क्रीन सेवर देन क्लिक ऑन ओके बटन। यहाँ से हमने स्क्रीन सेवर चूज किया देन ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। ओके, सो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं। होप ये ऑप्शंस आपको, स्टेप्स आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी। सीरियलाइज द फॉलोइंग स्टेप दैट्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को चेंज करने के स्टेप्स को सीरियल वाइज लगाना, यानी कि 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में लगाना है। जैसे अभी हमने जिस फॉर्म में हमने अभी रीड किए हैं स्टेप्स, फर्स्टली हमने क्या किया था? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, तो फर्स्ट स्टेप आ गया राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन। थर्ड स्टेप में स्क्रॉल डाउन द लॉक स्क्रीन एंड क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर। उसके बाद आया था स्क्रीन सेटिंग करने के बाद हमारे पास विंडो ओपन हुई थी, तो फोर्थ स्टेप आएगा हमारा फॉलोइंग विंडो विल ओपन। एंड फिफ्थ स्टेप चूज एनी स्क्रीन सेवर देन क्लिक ऑन ओके बटन। सो हमने इस तरह से इनको सीरियल वाइज लगा दिया है, 1 by 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 जो स्टेप्स हमारे हैं उन्हें हमने लाइन वाइज लगाया है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। आज का आपका होमवर्क यही है कि यहाँ तक आपको रीड करना है, एक्टिविटी 2 आपको लर्न करनी है, इनके स्टेप्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।